कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के अपने YouTube चैनल लविंग सर के ऊपर। और देखते हैं आज के अपना जो पार्ट था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका और सेकंड जो पार्ट था इसका वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके 50 जो फैक्ट थे वो अपन देख चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पहले वो वीडियो जाके देख लें और शुरुआती 50 फैक्ट्स को भी जाके ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी कि अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट सेकेंड। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अपना फैक्ट 51 जो है, 51वां जो फैक्ट था वो देखें कि प्राकृतिक वरण के सिद्धांत का श्रेय चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड वेलिस रसेल ठीक है। तो प्राकृतिक कहने का मतलब क्वेश्चन ये उठेगा कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया, तो किन्होंने दिया था, चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड वेलिस रसेल ने दिया था। किन्होंने, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वेलिस रसेल ने। देखते हैं सेकंड इसका फैक्ट कि श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है ना। श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती है इनका सेकंड नाम या दूसरा जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। आगे देखिए कि शुक्राणु परिपक्वन के समय एक्रोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय संश्लेषण के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। कि जब शुक्राणु का परिपक्वन होता है उस समय क्या होता है, एक्रोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है, वो गोल्जी काय संश्लेषण के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे देखो, लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे WBC को ल्यूकोसाइट कहते, उसी प्रकार RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आगे देखिए कि शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में ताप का नियंत्रक कौन सी ग्रंथि करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि ताप का नियंत्रक करती है मित्रों। आगे देखो कि सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, ठीक है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह होता है, यानी कि ऐसा रक्त समूह जो सभी को दिया जा सकता है, ठीक है, या ऐसा ब्लड ग्रुप जिसे कोई भी आदमी ग्रहण कर सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है ओ, ठीक है। आगे देखिए, जीव द्रव्य का मुख्य घटक जल होता है। जीव द्रव्य का मुख्य जो घटक होता है वो कौन होता है, जल होता है। आगे देखिए कि सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर AB होता है, ठीक है। यानी ऐसा रक्त समूह है, ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह है या यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो AB होता है। तो AB जो रक्त समूह है उसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, या सर्वग्राही रक्त समूह भी जिसको कहते हैं। अब आगे देखिए, कहने का मतलब यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है वो किसी भी ब्लड ग्रुप जो है उसको वो ग्रहण कर सकता है, दूसरे ए हो, बी हो, ओ हो या फिर AB हो, सभी से वो ग्रहण कर सकता है। आगे देखिए कि गोल्जी तंत्र का कार्य स्रावी पदार्थों का संग्रहण, कोशिकाओं के लिए उनका वितरण तथा बाहर निकालना होता है। गोल्जी काय के जो कार्य है वो याद रख लेना आप, क्या करता है ये क्या करता है, जो भी स्रावी पदार्थ होते हैं जैसे हार्मोन एंजाइम वगैरह, उनका संग्रहण करता है, कोशिका के लिए उनका वितरण और उनको बाहर निकालने का काम भी भैया गोल्जी तंत्र करता है। आगे देखिए, प्लीहा या स्प्लीन जो है वो ब्लड बैंक कहलाता है, ठीक है। प्लीहा या स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड बैंक कोशिका के किस भाग को कहते हैं, तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। आगे देखो, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। तो आप ये मत सोचना भाई भोजन का पाचन आमाशय में जाने के बाद शुरू होता है, ऐसी बात नहीं। भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और मुख में जब भोजन का पाचन हो जाता है उस वक्त भोजन को हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। आगे देखिए कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। हाँ, अवशोषण है भोजन का, वो होता है छोटी आंत में। आगे देखिए कि विटामिन ए है वो यकृत में संचित रहता है। विटामिन जो ए है वो कहां पर संचित रहता है, वो आगे देखिए, एक मिनट, सॉरी
चलिए, विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, यानी विटामिन ए का संचय जो है वो कहाँ पर होता है, तो वो यकृत में होता है। आगे देखिए कि जीवित कोशिका में केंद्रक को सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। तो जीवित कोशिका के जो केंद्रक है उसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो की थी 1831 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कि पित्त, जिसको इंग्लिश में बाइल बोलते हैं, वो यकृत या लीवर द्वारा स्रावित होता है, याद कर लीजिएगा, ना कि पित्ताशय के द्वारा। काफी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, भाई जो पित्त है उनका संश्लेषण यकृत में होता है या पित्ताशय में, तो जो पित्त होते हैं उनका संश्लेषण है वो यकृत में होता है। आगे देखो, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करती है, यूजेनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट देखिए कि नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है, सभी जानते हैं आप। आगे देखिए कि शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री और फॉरनहाइट, ठीक है, डिग्री फॉरनहाइट या 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता, तो तीनों ही ताप के पैमानों में मान दिया जा चुका है। फॉरनहाइट में पूछे तो कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री। डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 36 डिग्री और केल्विन में 310 केल्विन। आगे देखिए कि राइबोज तथा डी ऑक्सी राइबोज शर्करा में मुख्य अंतर, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है। आगे देखिए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा होता है? वो होता है त्वचा। आगे देखिए, डीएनए अणु में थायमिन और साइटोसिन दो प्रकार के पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। ठीक है, डीएनए अणु में कितने क्षारक होते हैं? थायमिन और साइटोसिन दो प्रकार के पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। आगे देखिए, लैक्रिमल ग्रंथि से अश्रु का श्रावण होता है, लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है वो किनका स्राव करती है? तो आंसू का स्राव करती है। क्वेश्चन पूछ लिया आंसू का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। आगे देखिए, कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पीट्यूटरी ग्रंथि होती है, या पीट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी जिसको बोलते हैं, वो शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है। आगे देखो, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी कारकों के अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि आनुवंशिकता के लक्षणों को वहन करने वाली इकाई का नाम जोहेंसन ने जीन दिया था। तो सब प्रश्न ये उठता है, भाई जीन शब्द किसने दिया? तो जोहेंसन ने जीन शब्द दिया। जीन क्या होती है? तो एक किसी प्रति यानी कि लक्षण विशेष का वहन करने वाली जो इकाई होती है, जो किसी विशेष लक्षण के लिए ही उत्तरदायी होती है, उसी को जीन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए कि पेलियोन्टोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो जीवाश्मों का विशेषज्ञ होता है। ठीक है, तो पेलियंटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो जीवाश्मों का विशेषज्ञ होता है। आगे देखिए कि विटामिन के की कमी के कारण रक्त स्कंदन नहीं होता, यानी किसी व्यक्ति में यदि विटामिन के की कमी है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। आगे देखिए कि मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती है, मनुष्य में कितनी पसलियां होती है? 12 जोड़ी, यानी कि 24 पसलियां। आगे देखिए कि शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, और एक मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। तो हड्डियां 206 और मांसपेशियां 639 होती है। आगे देखिए कि शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, और शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वो प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी जिसको बोलते हैं, वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखिए कि लार में टाइलिन नामक
एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और प्लीहा जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहलाता है। यानी प्लीहा या स्प्लीन जो है इसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी का श्मशान घाट भी कहते हैं मेरे भाई। आगे देखो कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में? तो 4 कोष्ठ होते हैं। और नेक्स्ट की आर एच फैक्टर का नाम रिसेस प्रजाति के बंदर से संबंधित है। और आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई आर एच फैक्टर की खोज किन्होंने की? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर्स ने की थी। आगे देखो कि रक्त लाल है परंतु केंचुए में लाल कणिकाएं नहीं होती है। यानी केंचुए का रंग लाल, केंचुए के रक्त का जो रंग है वो लाल नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए कि रक्त में ग्लूकोज संतुलन यकृत बनाए रखता है। ठीक है, तो रक्त में जो ग्लूकोज का संतुलन है, बैलेंस है, वो कौन बनाता है? ठीक है, तो वो यकृत बनाए रखता है। आगे देखो कि आंतों से कैल्शियम अवशोषण की दर में वृद्धि विटामिन डी के कारण होती है। ठीक है, तो कैल्शियम अवशोषण की जो दर में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो विटामिन डी के कारण। और उस रोग को जिसमें रक्त नहीं जमता अथवा इसमें अधिक समय लगता है, हीमोफीलिया कहलाता है या हीमोफीलिया कहा जाता है। और आगे देखिए कि रक्त चढ़ाते समय ओ ग्रुप का व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह के अतिरिक्त किसी वर्ग का रक्त ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, ये दे तो सबको सकता है लेकिन ग्रहण सिर्फ ओ वाले से ही करेगा। ठीक है, इसीलिए ओ जो ब्लड ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। ठीक है, और ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि वाटसन और क्रिक प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने डीएनए यानी कि जीन की संरचना का पता लगाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो वाटसन और क्रिक ने बताया था। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। और नेक्स्ट देखिए कि यदि किसी खरगोश के गुर्दे या किडनी जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके रक्त में एक खतरनाक अनुपात में यूरिया एकत्रित हो जाती है। ठीक है, यानी यदि किसी खरगोश की जो किडनी काम नहीं करे किडनी, तो इसका सीधा सा मतलब निकाला जा सकता है कि उसके रक्त में यूरिया की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। नेक्स्ट देखिए कि लक्ष्य निर्धारण के लिए चमगादड़ में रडार तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र? रडार तंत्र पाया जाता है, इसलिए तो ये रात में भी जो है उड़ सकता है। आगे देखो जीवाश्मों के अध्ययन से स्पष्ट है कि कुत्ते एवं बिल्लियों के पूर्वज अधिक भिन्न नहीं थे बल्कि वे एक ही वंश के सदस्य रहे होंगे। और कान की अर्धवृत्ताकार नलिकाओं का जो कार्य है वो शरीर का संतुलन बनाए रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कान का जो प्रमुख कार्य है वो सुनने के अलावा शरीर का संतुलन बनाए रखना भी होता है, ना कि सिर्फ सुनना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा भैया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और यदि आपके आसपास कोई भी बच्चे हैं तो सभी से वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे उनको पूरा प्रॉफिट जो भी है चैनल का मिल सके। और लाइक शेयर जो है सब्सक्राइब वो दबा के आप बिना कहे ठोक दिया करो। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके बाय।